आदर दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बर्नी। आप देख रहे हैं द बर्नी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए वो मुद्दा है पीएम मोदी पर जुर्माना कौन लगाए, कौन काटेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चालान। आमतौर पर आजकल आपको एक कॉलर ट्यून सुनाई देती है। जब भी आप किसी को कॉल करेंगे तो सबसे पहली बात आएगी कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। अमिताभ बच्चन जी ने कान पका दिए हैं कहते कहते, लेकिन उसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो बात सुनाई नहीं दे रही है। आमतौर पर एक आम आदमी के लिए दिल्ली के अंदर 500 रुपये का जुर्माना हुआ करता था यदि आपने मास्क नहीं लगाया हुआ है, लेकिन उस जुर्माने को बढ़ाया गया, दोबारा से एक माहौल बनाया गया वैक्सीन बेचने के चक्कर में कि कोरोना फिर से बढ़ रहा है, और दिल्ली के अंदर जुर्माने को 4 गुना कर दिया गया। 500 रुपये के जुर्माने को 2,000 का कर दिया गया। यदि आप बिना मास्क के पकड़े जाएंगे तो आपको वहीं पर 2,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे, नहीं तो आपको पुलिस उठा करके जेल ले जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। ये तस्वीर 7 दिसंबर की है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल से इस तस्वीर को शेयर किया है। ये तस्वीर है आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे की, अगर हिंदी भाषा में कहें तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस। ये एक ऐसा दिवस है जब आर्म्ड फोर्सेस को अप्रिशिएट करने के लिए देश की तरफ से, उनको सम्मान देने के लिए, उनकी सराहना करने के लिए फ्लैग डे मनाया जाता है। आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे 7 दिसंबर को एक कार्यक्रम हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। लेकिन जो तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेयर की उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना मास्क के कार्यक्रम में पहुंचे हैं। अब सवाल ये उठता है कि बिना मास्क के कार्यक्रम में पहुंचना, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कोई जुर्माना लगा सकता है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जुर्माना लगना चाहिए? इसको लेकर के बाकायदा सोशल मीडिया पर एक बहस शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर एक पेज है जिसका नाम है फैक्ट्स चेक। उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही ट्वीट पर कमेंट करते हुए लिखा है, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, दिल्ली में 2,000 रुपये का जुर्माना है मास्क नहीं पहनने पर, मोदी जी कॉट रेड हैंडेड वायलेटिंग रूल्स। अब सवाल ये बनता है कि क्या नियम सिर्फ आम जनता के लिए होते हैं या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी चालान कट सकता है 2,000 रुपये का। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाएं, जाकर के अपनी राय हमें जरूर बताएं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आप हमें सोशल मीडिया पर यानी कि इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक्स दिए हुए हैं उन लिंक्स पर जाकर के आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।